कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है और राम नाम की धुन ही ऐसी है जिसे एक बार लग जाए वह उसी में मग्न हो जाता है। जी हाँ, राजस्थान के चूरू में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जहाँ 88 साल की एक वृद्धा राम की भक्ति में ऐसी लीन हुई कि उसे अब सिर्फ उठते और बैठते सिर्फ एक ही काम है, राम नाम लिखना। शहर के वार्ड 55 की 88 वर्षीय मैना देवी, जो अब तक एक दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा राम नाम की कॉपियां भर चुकी है और 58 लाख बार राम नाम लिख चुकी है। वृद्धा बताते हैं कि उन्हें इसमें सुकून और शांति मिलती है। इन सब में सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि 88 वर्षीय मैना देवी ने कभी स्कूल नहीं देखी, बावजूद वह लाल शाही से कॉपियों में राम नाम लिख रही है। वृद्धा बताती है कि भक्ति भाव में उनकी बचपन से रुचि रही है। करीब 6 साल पहले बेटी के पास जब मुंबई गई तो वहां उनके पास राम नाम की ये कॉपी देखी जिसमें एक दो पन्ने भरे हुए थे, जिसके बाद 88 वर्षीय मैना देवी के मन में भी राम नाम की ऐसी अलख जगी कि वह अब तक 150 से ज्यादा कॉपियों में 58 लाख से ज्यादा राम का नाम लिख चुकी है। 88 वर्षीय मैना देवी बताती है कि उनके एक बेटा और 4 बेटियां हैं जिन सभी की शादियां हो चुकी है। भक्ति भाव में दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वृद्धा मीना देवी बताती है कि उनकी कॉपियां जब बढ़ जाती है तो उनकी बहू सायर देवी उन्हें नई राम नाम लिखने के लिए कॉपियां लाकर देती है और भरी हुई कॉपियां हरिद्वार में गंगा जी में बहा देते हैं। बम्बई गई और किताब लाई और लिखने लगी, बेटा पोता किताब पैर जाके जगह बढ़ाऊँ, 5-6 साल से लिख रही हूँ, बढ़िया लगी। एक तो लड़को है और 3 पोता है, 1 पोटी है, बहू है, 3 पोता ही हुआ है, इतना बच्चा है। क्या मैं 5-6 साल से लिख रही हूँ, मैं 28-27 तो एक किताब लिख ली, तो लेट से लिख ली, इतनी लिख ली। आपका नाम मीना देवी है, मेरे सासू जी है और पूरे दिन राम राम लिखे और खाली समय मिलता ही राम राम लिखता रहे। अने टोपी पहने मंगावे तो अने ला दूँ जाकर, और मतलब आपको दिनचर्या एकदम बढ़िया बना रखी है, बढ़िया से पूरा दिन राम राम में बिता, सत्संग कर लिया, कीर्तन में जाए, मंदिर जाए, एकदम राम साहब तो। अने कोई मत जिंदगी से कोई मतलब हो नहीं, खाली राम राम टाइम बिताओ तो हमको सहयोग अच्छा है, मतलब बच्चा के प्रति, बहू के प्रति, पोता के बेटा के प्रति सब सहयोग अच्छा है। एक किताब है हमारे पास, बाजू में ही गरीब वाणिया की दुकान है, बजा जाएंगे बैठे। एक दिन मैंने बोला कर राम राम लिखेगा कोई, हमारे माँ लिखे तो बट से मैं लानी शुरू कर दी और बैठे बॉल पेन मिल जाए लग दूँ। और अन्य कदे तो हरिद्वार गंगा जी में बुआ दी, वहाँ हमारे 2 मकान बनाया, वहाँ नींद के अंदर दे दी और हरिद्वार में जमा तो बैठे दे दे वहाँ बस, और वापिस वह जगह से लिया वह जमा करवा तो वापिस वहाँ भी जमा करा दे। क्या नाम था? मेरा नाम साहिब देवी, साहिब देवी।